गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यू टाइप स्विच, विंग स्विच बोलते हैं, विंग स्विच, और इस स्विच का प्रिंसिपल एंड वर्किंग एंड कैसे वायरिंग करना है सारा कुछ मैं बताऊंगा, और कहाँ यूज़ होता है वो सारा इस वीडियो बताऊंगा। तो वह ये रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। दोस्तों इसमें बेसिकली बात करें तो ऑप्टिकल टाइप स्विच होता है, इसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। इस दोनों यू शेप के अंदर एक तीर का सिंबल बना हुआ है, उसके अंदर एक लाइट निकलता है, एक से एक रिसीव करता है। अगर इन दोनों लाइटों के, दोनों सेंसर के, ऑप्टिकल लाइट के बीच कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये अपना स्टेट चेंज करके आउटपुट जनरेट कर देता है। तो इसमें टोटल दो एलईडी होता है, एक पावर की एलईडी और एक आउटपुट की एलईडी। पीएनपी और एनपीएन दो टाइप का सेंसर होता है ये। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि ट्रांजिस्टर, जैसे अगर इनकेस कोई इस ट्रिगिंग फॉर्म में रहता है, जैसे कोई भी इस ऑब्जेक्ट के बीच, दो इस लाइट के बीच कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये अपना आउटपुट जनरेट कर देता है। अगर पीएनपी है तो पॉजिटिव आपको मिल जाएगा, एनपीएन है तो नेगेटिव। तो आप देख लो इस पर ड्राइंग बना हुआ टोटल ब्राउन, ब्लू और ब्लैक। तो इसमें बोल रहा है कि ब्राउन और ब्लैक पर सप्लाई देना है, तो ब्राउन पर पॉजिटिव देना है और ब्लैक पर निगेटिव। और उसके बाद इसका जो ब्लू है आउटपुट है, तो इनकेस अगर इसमें जैसे आप इस दोनों यू शेप के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसी तरह इसके आप आउटपुट की एलईडी ऑन हो जाएगी, और आपको अगर पीएनपी है तो पॉजिटिव और एनपीएन है तो निगेटिव आउटपुट आपको ब्लू पे मिल जाएगा। तो ये स्विच का जो स्पीड होता है बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, ऑप्टिकल होता है, क्योंकि लिफ्ट जो इसका जो यूज़ है 1.5 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर 4 मीटर, माने हाई स्पीड लिफ्ट के लिए हम इस स्विच का यूज़ करते हैं। बाकी 1 मीटर के अंडर की लिफ्ट के लिए हम रीड स्विच यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक टाइप। और बाकी जो 1-1.5 मीटर के स्पीड से ऊपर जाती है लिफ्ट, तो ये स्विच, मैग्नेटिक स्विच काम करना, प्रॉपर काम नहीं कर पाता, इसलिए हम इस स्विच का यूज़ करते हैं। ये इसकी कॉस्ट की बात करें तो काफ़ी हाई कॉस्ट होता है इसका, कंपेयर देन ये इसकी कॉस्ट बात करें, रेड स्विच लगभग 150 से 200 के अंदर आता है, पर ये स्विच की बात करें तो ये 1000 से लेकर 4000 तक के प्राइस का ये स्विच आता है। ये स्विच काफ़ी कॉस्टली होता है, इसमें आप सिंबल में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है। यू शेप के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, लाइट को डिस्टर्ब करता है, तो इसके अंदर आउटपुट जनरेट हो जाता है। इसके अंदर दो एलईडी लगी होती है, एक एलईडी इसको आउटपुट देने के लिए, एक एलईडी लगी होती है जो इससे पता चलेगा कि ये सेंसर ऑन हो गया है, और आउटपुट अगर जनरेट करेगा तो आपको आउटपुट का एलईडी इंडिकेशन करेगा। दोस्तों इसका जो स्टेट भी होता है, NONC दोनों होता है, तो वो अलग इसके अंदर प्रोसेस होता है। बाकी इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपको इस वीडियो में बता। दोस्तों इसकी ब्रांड की बात करें तो काफ़ी सारे ब्रांड का आता है आउटपुट, काफ़ी सारे ब्रांड का आता है ये विंग स्विच, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और BST का आता है, स्टेप का आता है, उसके बाद वैको का आता है, कई टाइप का आता है। तो दोस्तों जब जहाँ विंग स्विच यूज होगा वो दो यूज होगा, एक अप डोर जोन के लिए, एक डाउन डोर जोन के लिए। एक अप के लिए काम करेगी, एक डाउन के लिए काम करेगी। ये स्विच दो स्विच लगा होगा और दोनों का पॉइंट होगा सिग्नल, दोनों पॉइंट पर अगर अप दो लगा हुआ है तो अप वाला अप चलेगी तो अप वाला पहले आएगा और डाउन वाला बाद में आएगा, और डाउन चलेगी तो डाउन वाला पहले आएगा और अप वाला बाद में आएगा। उस तरह दोस्तों वायरिंग का भी आपको बता दिया, अब वर्किंग भी बता दिया सारा कुछ। तो यही देखो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये स्विच के बारे में बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होता। तो स्विच का सबसे प्रिंसिपल होता है 3 वायर होता है और 4 वायर। अगर 3 वायर सिस्टम है तो एक दो उसको सप्लाई देने का होगा पॉइंट, जैसे दो सप्लाई देने का पॉइंट होगा, और अगर उसमें इनकेस 4 का है तो 4 में आपको होगा एक निगेटिव एक पॉजिटिव दोनों आउटपुट देगा, उसमें दोनों PNP NPN दोनों मिक्स होगा। ज़्यादा कन्फ्यूजन होता तो मैंने ये वीडियो बना के आपको क्लियर